बच्चों बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या होता है? देखिए स्टोक्स लॉ बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है किसमें, होमोजेनियस मीडियम में, तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है और उस विस्कस फोर्स की क्या वैल्यू होती है उसको हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दे दिया, मुझे पहले से नहीं पता था कि ऑब्जेक्ट कैसा लेना है, ऐसा स्टोक्स ने बताया कि स्फेरिकल ही लेना है तो मैंने ले लिया। यहां पर मुझे कंसिडरेशन लेना है कि जो विस्कस फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बाद फिर हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो विस्कस फोर्स के लिए ये जानना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में फ्रीली फॉल होता है तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैं ले दे रहा हूं यहां पर। देखो पहले क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि यहां पर क्या है, एक विस्कस मीडियम है, तो मैंने इसको विस्कस मीडियम बना दिया। देखो यहां विस्कस मीडियम एयर हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, कोई भी फ्लूड हो सकता है। उस फ्लूड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मैंने जानबूझ के कैसा लिया है, स्फेरिकल लिया है, क्योंकि मुझे अपने कंसिडरेशन में ये वर्ड आगे एड करना है कि कैसा ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में फ्रीली फॉल करे। तो देखो जो स्टोक्स थे उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ने ये बोला कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जो विस्कस फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फ्रीली फॉलिंग इन अ होमोजीनियस विस्कस मीडियम। तो मैंने क्या बोल दिया स्टोक्स ने, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, वही बात बोल रहा हूं जो स्टोक्स ने बोला, कि स्टोक्स ने क्या बोला कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होगा अभी ये नहीं बताया, बताया क्या कि व्हेन इट इज फ्रीली फॉलिंग इन अ होमोजीनियस विस्कस मीडियम डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर थे, फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला उन्होंने बोला, किसने बोला, स्टोक्स ने बोला कि जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स, जो विस्कस था ये विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ, क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है इस विस्कस मीडियम में उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए। तो क्या बोला उन्होंने कि जो शेप होगा कैसा होगा, जो शेप होगा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, इसीलिए मैंने यहां पर स्फेरिकल बना दिया। अब स्फेरिकल तो एक चीज फिक्स कर दी, क्या, शेप को फिक्स कर दिया। साइज कैसा होगा वो आपको लेना है कि आप किस साइज का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में फ्रीली फॉल कराते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो होती है वी, कि वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मीडियम में गिर रहा है, यहां पर जो वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, वी, वी वेलोसिटी से नीचे ये गिर रहा है। अब क्या होगा, किसमें गिर रहा है, विस्कस मीडियम में गिर रहा है। थर्ड बात बोली कि किस तरह का यहां पर विस्कस मीडियम है, उसका क्या कोफिशियंट है। तो यहां पे बोलना है मुझे विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ
कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, किस तरह का फ्लूड है या लिक्विड है उसकी क्या कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसको आप एटा से बोलते हो। इसका मतलब यहां पर जो विस्कस फोर्स आया है, विस्कस फोर्स एक्चुअली है क्या, एफ वी है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, जो ये विस्कस फोर्स होगा वो कहां का एक्ट करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है विस्कस मीडियम में, तो डायरेक्शन की अपोजिट, जिधर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट, मतलब विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कहां काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और बॉडी का जो वेट होगा, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यहां पर क्या देखा आपने, अब ये जो बातें थी इनको कंबाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, दैट इज जो एफ वी है विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल था तो उसकी उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, तो मैंने आर साइज ले लिया है, क्या ले लिया, आर। तो ये हो जाएगा ईटा और आर और यहां पर वी। तो देखो ईटा तो ये चीज बता रहा है कि किस तरह के विस्कस मीडियम में गिर रहा है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, आर क्या है, आर बताता है साइज को, बताता है किसको, बताता है साइज को, और शेप कैसा है, स्फेरिकल है। तो यहां से ये आ गया, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपको क्या मिलता है, यहां से मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी। तो मैं यहां पर इन यूजुअल जो सिंबल्स हैं उनका मीनिंग बता देता हूं। देखिए आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस है। वी क्या है, वी आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। कभी कभी आपसे पूछता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर स्टोक्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स यूजुअल, जो आपने यहां पे सिंबल्स यूज किए हैं उनकी मीनिंग क्या है, तो आपको बताना है ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, जो विस्कस मीडियम है उसकी क्या विस्कोसिटी है। इतनी चीजें आप लिख देते हैं तो आपका स्टोक्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको यह समझ में आ गया कि स्टोक्स ने क्या कहा। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टोक्स ने यह बताया कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में फ्रीली फॉल होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है। व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी फ्रीली फॉल्स इन अ होमोजेनियस विस्कस मीडियम देन अ फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वैल्यू विल बी एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके,